सब गाइस कैसे हैं आप लोग, आए आप लोग ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ शाम के 5 बजे। वजह क्या है, वजह ये है कि रूम सफाई, रूम की क्लीनिंग कर रहा था, अच्छे सफाई कर रहा था सबसे सारे रूम। तो अभी तो मैं साफ ही कर रहा हूँ, मैंने पंखा साफ किया, पंखे का पर्स साफ किया, निकाल के और गाने सुन रहे हैं। तो यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना। तो अभी सर जी आएंगे और फिर खेलेंगे हम लोग बैडमिंटन। अभी पहले क्लीनिंग कर लें फिर उसका मिलते हैं आप लोगों से। गाइस मैंने रूम साफ कर लिया और मैं सुन रहा हूं गाने और पीछे आया हन्नू, तो हम लोग ऊपर चलते हैं, ऊपर हन्नू के साथ खेलते हैं। हन्नू को हम ले आए छत पे। हन्नू क्या देखोगे, मुर्गा हैं? अच्छा मुर्गा दिखा रहा उधर। हन्नू मोए, चाचा बोलो, चाचा चाचा, ओए 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 चाचा बोल। अरे बोल, ऐसे बोलता अब नहीं बोल रहा है, कैमरे के सामने क्या देख रहा भाई, इधर देखो इधर। हे चाचा, कैमरे कैमरा है भैया, कैमरा है। बोलो चाचा चाचा, पाई पानी है, हाँ पानी है वहाँ। इधर देखो इधर इधर इधर। अच्छा मंकी कैसे करता है, मंकी 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 करके दिखाओ, ऐसे करता है करके दिखाओ। अरे ये देखिए हाथ बांध के खड़े हो भैया जी। अरे नहीं ऐसा तो मंकी नहीं करता भैया। अरे नहीं ये अच्छा याद आ रहा है, अच्छा ये ऐसे करता है। बंद करें, बंद कर दे रिकॉर्डिंग, भागा ये कहाँ जाओगे, हम तो पूरा रिकॉर्ड करते रहेंगे तुम्हें। ए हन्नू नो, हन्नू मंकी कैसे करता पहले करो, कैटी कैसे करती है? टीडी तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, एकदम चुप ही खड़ा है, कुछ को करके दिखाओ। नहीं कैमरे को बंद नहीं करना, बंद कर दे। अच्छा बंद कर दिया, चलो हाँ बंद, अब खुल गया। ये देखिए ये देखिए जैसे कैमरा बंद कर। अरे अरे हेलो इधर, ओ हेलो इधर, ओ चचा हेलो, सुनाई दे रहा चचा? नहीं सुनाई दे रहा है। हन्नू जो है एसी के रिमोट को फोन समझ रहा है ना हन्नू, है ना? ओके भैया कौन से जमाने का फोन है? हेलो आवाज आ रही है हन्नू? एसी के रिमोट को बेचारा समझ रहा है फोन। हन्नू मेरे हाथ में फोन है ना कि वो फोन है बाबा? हाँ बाबा है, साईं बाबा है। हन्नू हन्नू हाँ बाबा है, अब तुम बताओ तो और क्या। अच्छा बोल दो चाचा। हाँ बात कर लो, आओ आओ आओ, किसको बुला रहे हो हैं? कौन सी भाषा है भैया ये? आओ तब ही बताएंगे। अच्छा ये बात नहीं भैया, वो फोन नहीं है, वो रिमोट है एसी का। शैतान ए ए हन्नू को लग रहा है वो एसी के रिमोट एक फोन है और वो इतनी देर से उससे बातें कर पड़ा है। हेलो आओ टम टम टम, अपनी भाषा में बात कर रहा है वो, बच्चों वाली भाषा में। ये देखो हन्नू, हन्नू हमें पब्लिक को हाय कर दो, हाय हाय कर दो हन्नू, हाय कर दो हन्नू, हाय 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 हाय। ये अच्छा बंद कर रहे हो बड़ा। गाइस अभी सर जी आ चुके हैं, सर जी इधर आइए जल्दी, सर ली हैं अपने। तो सर जी अभी अभी आए हैं थोड़ी देर पहले, तो अभी हम हन्नू को खिला रहे, तो उसका हन्नू को नीचे ले लिया और सर जी को पिकअप कर लिया। अब सर जी के साथ जरा जा रहा है, सर जी को थोड़ा सा काम है, तो चलिए रास्ते में बात करते हैं। चलिए सर। गाइस अभी हम लोग गए थे सामान लेने और दुकानें सारी बंद थी ना सर, थोड़ा सा लेट हो गए थे इसलिए दुकानें बंद थी। और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, सोचते हैं थोड़ा सा बैडमिंटन खेला जाए, तो खेलेंगे ऊपर चल के। और घर से गए थे क्यों, सामान लेने गए थे कि ऐसे टहलने, ठीक है? वो भी बनती घर के बगल ही में गए थे जस्ट। और आने के बाद मैंने हाथ पैर सब अच्छे से धुल लिए, सर ने भी धुल लिए और अब ऊपर जाएंगे। हमारे थल्दी बैडमिंटन थैले बिना ही थैले दाल हैं, इतनी दाल हैं तो बहुत जल्दी हो ली है क्योंकि यार मतलब सर जी को थोड़ा सा सामान लाना है घर का, और घर का सामान अगर नहीं लाएंगे तो ये तोड़े जाएंगे तो दुकानें भी बंद हो जाएंगी। गाइस सर जी शायद शायद 2-3 दुकानें खुली हैं, तो सर जी को सामान लेके घर चले आएंगे। तो हम लोग ऊपर चलते हैं और सर जी को अभी पहले नीचे सर जी को छोड़ दें, सर जी ऐसा ही। तो चलो ऊपर चलते हैं।
गाइस हमने छोड़ दिया सर जी को और अभी हम जा रहे हैं ऊपर एक वेब सीरीज टाउन से भाई, तो वही देखेंगे अभी हम थोड़ी देर। और आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा छोटा है मेरे हिसाब से, शायद 5-10 मिनट का बना होगा। क्यों? क्योंकि यार आज मैंने काफ़ी लेट में व्लॉग स्टार्ट किया इस वजह से, क्योंकि मैं रूम क्लीनिंग कर रहा था। तो आई एम रियली सॉरी, आजकल के व्लॉग्स थोड़े छोटे हो रहे हैं, तो इसके लिए आई एम रियली 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 सॉरी। जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे और कंटेंट दिखाएंगे अच्छे से अच्छे, मतलब कंटेंट का पूरा रूटीन पूरा कुछ सब कुछ दिखाएंगे पूरे दिन का, ठीक है। और आजकल थोड़ा सा शेड्यूल भी बिगड़ गया, सुबह जल्दी उठने का बिगड़ गया, जल्दी नहीं उठ पा रहा। आजकल हम 12 बजे उठ रहे हैं, तो आज रील्स वीडियो भी नहीं बनाई थी कई, हमें पहले थोड़ा स्टॉक में बना के रखी थी तो वही अपलोड कर दी मिस कर दी। और चलो ऊपर चलते हैं गाइस। कल रात को, मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि कल रात को मैंने व्लॉगिंग नहीं की ढंग से, क्योंकि जैसे सर जी को मैंने छोड़ा वैसे ही मैं ऊपर आया। मैंने जो नई वेब सीरीज़ थी स्ट्रेंजर थिंग्स, जो कि है बहुत पुरानी, बट मैंने ली भाई से और मैं देखने लगा। मैं कोई बहाना नहीं छोड़ूंगा कि ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, ऐसा एक्सक्यूज था वैसा नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं वेब सीरीज़ देखने लगा था और मैं अपने लक्ष्य थोड़ा सा भटक रहा हूँ, तो अभी वापस आना पड़ेगा अपने लक्ष्य के ऊपर। डेली व्लॉगिंग ढंग से करनी पड़ेगी और रील्स वीडियो भी ढंग से बनानी पड़ेंगी, क्योंकि रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है मेरी 2-3 दिन से। तो करेंगे, मेहनत करेंगे, इतनी करेंगे कि इतनी मेहनत करो कि किस्मत भी कहे ना बेटा कि तेरा हक है, ले ले। क्या ले ले, क्या ले ले, जो किस्मत में लिखा नहीं है, जो किस्मत आप अपने हाथ से लिखेंगे वो चीज़ आपको मिलेगी। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप जो पाना चाहते हो वो केवल आपकी मेहनत से मिल सकती है, ना कि आपकी किस्मत से, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए, एक न तो एक दिन सफल होएंगे, एक न तो एक दिन कुछ न तो कुछ जो आप चाहते हो मिलेगा। और ये चूहा गया मेरे बगल से छोटा सा, इनका हम कुछ नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, गंदगी फैला जाते हैं स्टूडियो में, तो कुछ नहीं कर सकता हम। तो आज क्या बजे मैं व्लॉगिंग एंड कर रहा हूँ, 3 बजे। अभी मेरा व्लॉग भी एडिट नहीं है ना कुछ तैयार है, मैं कैसे अपलोड करूँगा 3 बजे? 3 बजने में केवल 8 मिनट बाकी है और मुझे अभी रील्स वीडियो बनानी है। रात भर वेब सीरीज़ देखी, मतलब 5 बजे तक। गलती हो रही है यार, बहुत गलत हो रहा है, ऐसे नहीं करना मुझे, सही करेंगे सब, बार बार लक्ष्य नहीं भटकना हमें। फिलहाल इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड, नए व्लॉग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वैसे व्लॉग तो पसंद नहीं आया होगा किसी को भी, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया इसके अंदर, तो पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना और कमेंट में जो लिखना लिख देना, कोई परवाह नहीं है। क्या करें, हम अपने लक्ष्य पर टक रहे हैं, तो इसमें किसी और की फॉल्ट हो।